हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू आर ऑल फाइन एट योर होम डियर फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस द एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास प्लस टू सब्जेक्ट पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम कंपोनेंट ऑफ दिस चैप्टर इन अर्लियर लेक्चर तो अभी हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे पहले हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं पोलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं क्या रोल होते हैं उनके तो अभी हम इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्टली पहले तो नेशनल पोलिटिकल पार्टीज़ वट डू नो अबाउट नेशनल पोलिटिकल पार्टीज़ स्टेट पोलिटिकल पार्टीज़ रीजनल पोलिटिकल पार्टीज़ फिर उनकी आइडियोलॉजी क्या है उनके चैलेंजेस क्या है उनके करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं विविन नो इन दिस चैप्टर फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द मीनिंग और डेफिनेशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर डेफिनेशन ए पोलिटिकल पार्टीज़ ग्रुप ऑफ पीपल हो शेयर सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज़ एंड कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड ट्रैक टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट कि ये एक लोग का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए क्रिएट होते हैं और गवर्नमेंट के रूप में अपनी पावर शेयर करते हैं दिस इज नॉन एज पोलिटिकल पार्टीज़ पोलिटिकल पार्टीज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हो शेयर सिमिलर पोलिटिकल व्यूज जिनके आइडियोलॉजी सेम होती हैं जिनके व्यूज सेम होते हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम कैसे सम पोलिटिकल पार्टीज़ हैज आइडियोलॉजी टू रिमूव पॉवर्टी सम टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल सम गिव द बेटर अपॉर्चुनिटी टू इंडस्ट्रियलिस्ट्स की कुछ ये क्या होती है कुछ की क्या होती है हर एक जो पोलिटिकल पार्टीज होती है उनकी आइडियोलॉजीज उनकी अलग अलग होती है और उनके कुछ जो व्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं उनके व्यूज़ सेम कैसे के दे वॉन्ट टू होल्ड द पावर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि वो सरकार के रूप में अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं फर्स्टली टुडे इन दिस चैप्टर ओनली वी विल डिस्कस नेशनल पोलिटिकल पार्टीज़ हम सिर्फ आज नेशनल जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेट पोलिटिकल पार्टीज रीजनल पोलिटिकल पार्टीज फिर उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है चैलेंजेस क्या हैं और करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं करक्ट्रिस्ट्स आर सेम ऑल पार्टीज नेशनल हो स्टेट हो या ओरिजिनल जो रीजनल हो स्टेट हो नेशनल पोलिटिकल पार्टीज हो दे हैव सेम करैक्टर्स करैक्ट्रिस्टिक्स दे हैव सेम चैलेंजेस बट आइडियोलॉजीज डिफरेंट ऑल पोलिटिकल पार्टीज बट उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो सबकी अलग अलग होती है क्यों अलग अलग होती है सम पोलिटिकल पार्टीज़ हॉल डे कमांड ऑन नेशनल लेवल्स सम पोलिटिकल पार्टीज स्टेट लेवल्स सम पोलिटिकल पार्टीज वर्किंग इन द रीजनल लेवल्स तो इसलिए उनकी आइडियोलॉजी भी अलग अलग ही होती है इन आवर इंडियन सिस्टम वी विल डिस्कस द नेशनल पोलिटिकल पार्टीज फर्स्टली डिसकस द ए आई टी सी मीन्स आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दिस पोलिटिकल पार्टी इज़ वर्किंग इन द नेशनल लेवल कि ये जो हमारी नेशनल लेवल के ऊपर है पार्टी जो काम कर रही है इन आवर इंडियन पोलिटिकल सिस्टम सेवन पार्टीज नॉन एज ए नैशनल पोलिटिकल पार्टीज रिमेंबर माई डयर स्टूडेंट्स इन आवर इंडियन सिस्टम सेवनल सेवन मीन सेवन रीजनल इन आवर इंडियन सिस्टम सेवन जो हैं हमारी नेशनल पोलिटिकल पार्टीज़ हैं सो मैनी रीजनल्स एंड सम स्टेट्स बट इन ब्रॉड लेवल व्यू कैन सेवन रिज जो हमारी हैं स्टेट उनको होल्ड करती हैं मीन्स जो सात नेशनल पोलिटिकल पार्टीज हैं वो पूरे पूरे हमारे फेडरल सिस्टम को क्या करती हैं कंट्रोल करती हैं फर्स्ट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दिस पार्टी हैज़ ए फ्लावर एंड ग्रास सिम्बल्स एंड लॉन्च ऑन फर्स्ट जनवरी नाइन्टीन एट के अंदर ये ममता बनर्जी के लीडरशिप के अंदर ये पार्टी क्या थी एक्सिस्टेंस सिस्टेंस हुई थी इनका क्या है जो फ्लावर एंड ग्रास क्या है इनका सिंबल है पार्टी सिंबल है ये पार्टी किस आइडियोलॉजी के ऊपर काम करती है या किस क्रेटिस के ऊपर काम करती है कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म ये कहती है कि सब तरफ सेक्युलरिज्म हो इंडिया हैज़ ए वन नेशन कि इंडिया एक कंट्री है बट इंडियन पीपल सेलिब्रेट सो मैनी टाइप्स ऑफ रिलीजन उनके सबके रिलीजन हैं इंडिया किसी भी रिलीजन को स्पेशल कोई मानता नहीं देगा क्योंकि इंडिया अडोप्ट सेकुलरिज्म पॉलिसी एंड फेडरलिज्म ये इनका क्या है एक मेजर करैक्टिस किसका है कि इंडिया की जो सेकुलरिज्म है वो अडॉप्ट होनी चाहिए ही हैज़ बीन पावर इन द वेस्ट बंगाल सेंस टू इलेवन कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर 2011 से काम कर रही है आल्सो हैज ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश फिर इनकी कुछ ब्रांचेस और स्टेट के अंदर भी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रजेंटेश के रूप में काम कर रही हैं इन टू के अंदर जब हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए थे उस टाइम दिस पार्टी गेट ए टू ट्वेंटी टू सीट्स मेक इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द लोकसभा ये हमारे लोकसभा के अंदर फोर्थ सबसे बड़ी पार्टी है जिसने ट्वेंटी टू सीट्स लेके लोकसभा के अंदर मेजोरिटी अडॉप्ट की थी नेक्स्ट है बीएसपी एस मीन्स बहुजन समाज पार्टी ये जो पार्टी है नाइन्टी एटी फोर के अंदर एक्सिस्टेंस हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशी राम कांशीराम कांशी राम उस टाइम के जो रिफॉर्मर थे सोशल रिफॉर्मर उन्होंने ये बीएसपी नाम की एक पार्टी क्या की थी इस की थी क्यों टू प्रोटेक्शन मिनोरिटीज कम्युनिटी लाइक एज एस सी एस टी ओ बी सीज जो उस टाइम के लोग थे जो लोग कहते बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये पार्टी उस टाइम नाइनटीन एटी फोर के अंदर काशी राम की रहनुमाई के अंदर ये पार्टी जो है एक होंद के अंदर रही थी इसका जो मेन पर्पज़ था वो कम्युनिटी को ऊपर उठाना जो लोअर लेवल की कम्युनिटी जैसे हमारे आदिवासी हो जाएंगे दलित से हो जाएंगे ओ बी सी एस टीज हो जाएंगे जो छोटे रिलीज के अंदर अपने आप को मैंशन करते हैं तो उनको अपलिफ्ट करना इस पार्टी का मेन पर्पज था तो इस पार्टी के जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे जो रिफॉर्मर्स थे इंस्परेशन फ्रॉम द आइडियज एंड टेक्निक्स ऑफ साहू महाराज महात्मा फुल्ले प्रया राम स्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर ये इनकी आइडियलॉजी थी ये इनके क्रिएटर्स की थी या इनके सजेशन थे इनके सेम व्यू थे कि दे वांट टू अपलिफ्ट द मिनरिटीज कम्युनिटी इन द कंट्री फिर ये धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस ने ऑल स्टेट्स के अंदर इंडियन ऑल स्टेट्स के अंदर क्या करनी शुरू कर दी बनानी शुरू कर दी और इसने अभी टू थाउजेंड नाइनटीन के अंदर जो टेन सीट्स लेके लोकसभा के अंदर अपने मजोरिटी बनाई और एक नेशनल पार्टी के रूप में काम कर रही है नेक्स्ट वी विल डिस्कस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये जो पार्टी है हमारी पहले ये 1980 के अंदर बीजेपी जो है भारतीय जनसंघ के नाम से ये उस टाइम एक्सिस्टेंस के अंदर आई थी ये भारतीय जनसंघ उस टाइम इसकी आइडियोलॉजी थी टू प्रोटेक्ट हिंदू कम्युनिटी एंड विकेमिंग इंडियन नेशनल वन हिंदू नेशन के उस टाइम इसकी जो आइडियोलॉजी थी इसकी जो uh, इसके जो थॉट थे वो ये थे कि हम इंडिया को एक हिंदुज़म राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये एक पहले जनसंघा के रूप में काम करता था तो बाद में इसको क्या हुआ इसका नाम चेंज होकर भारतीय जनता पार्टी के रूप के अंदर ये पार्टी एमजेड हुई ये क्या कहती है कि हमारा जो इंडिया है बहुत स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बने वो उन उनके जो, जो थे और रिचुअल्स थे वो अपने इंडिया के लोगों के सेम हो, इन्होंने कल्चर नेशनलिज्म हिंदुत्व मीन्स के अपना जो राष्ट्र हो सिर्फ हिंदुत्व राष्ट्र ही हो जो इस पार्टी के लीडर थे उस टाइम वो हमारे इंडिया के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने 1951 के अंदर इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर और रिफॉर्मस अमेंडमेंट की अब इसके अंदर और छोटे छोटे जो राष्ट्रीय जो हम कह सकते हैं स्टेट पार्टीज हैं वो अपने आप को कोलाबरेट करके एक एन डी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो जिनकी आइडियोलॉजी सेम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मिक्सअप होती है मिलती है वो सारी छोटी छोटी पार्टियों ने कोलाबरेट करके एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है नाइनटीन नाइन्टी एट के अंदर क्योंकि वो कहते थे कि हमारी पार्टी एक नेशनल रूप के अंदर काम करे। तो इस पार्टी ने 2019 के अंदर लोकसभा इलेक्शन को मेजर जो है रिप्रेजेंटेड के साथ वॉन किया तो अब ये जो पार्टी है हमारी बीजेपी की ये रूलिंग पार्टी के अंदर काम कर रही है इन द सेंटर के, इन सेंटर स्टेट जो हमारी सेंटर की है, गवर्नमेंट है उसके रूलिंग पार्टी के रूप में ये काम कर रही है हमारी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्मल हुई थी नाइनटीन एटी के अंदर उस टाइम ये पार्टी किसके रूप में जाने जाती थी भारतीय जनसंघ के रूप में जो उसके फॉर्मर थे फाउंडर थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस टाइम के नेक्स्ट सीपीआई यानी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये जो हमारी पार्टी है ये नाइनटीन ट्वेंटी फिफ्थ के अंदर जो उस टाइम हमारे मार्किस्ट थे हमारे मार्क्सिस्ट मीज जिनकी आइडियोलॉजी मार्क्स की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती है उन्होंने उस आइडियोलॉजी को अडोप्ट करते हुए एक सी पी आई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक पार्टी एस्टब्लिश की थी क्यों क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारे विक्र सेक्शन है सोसाइटी के अंदर उनको भी डेवलपमेंट करने का मौका मिले बिकॉज दे आर एक्सप्लोटेड बाय द रिच कम्युनिटी के वो जो है रिच कम्युनिटी के द्वारा एक्सप्लोट होते हैं जो वर्किंग क्लास है हमारी बिकॉज वर्किंग क्लास लिविंग एज ए पुअर लाइफ उस टाइम जो वर्किंग क्लास थी वो अपनी लाइफ जो थी वो एक पी लाइफ के अंदर अपना काम करती थी जो मार्क्स की अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे तो उन्होंने उस टाइम इस पार्टी को एक सी के रूप में एस्टेब्लिश किया ताकि जो वर्किंग लेबर है उनको उनके राइट्स मिल सके फिर ये धीरे धीरे अपनी और ब्रांचेस दूसरी स्टेट्स के अंदर भी इन रिप्रजेंटेटिव को इलेक्शन के अंदर प्रमोट करना शुरू कर दिया ताकि ये अपनी सी पी पार्टी को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक नेशनल पार्टी के रूप में इमज कर सकें या उसकी एक्सिस्टेंस को बना सकें तो अभी इसके अंदर टू थाउजेंड दे पॉन्ट टू सीट्स हैं अभी इसके पास टू सीट हैं टू थाउजेंड तो जो नाइनटीन के अंदर हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे नेक्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सी पी आई एम नाइनटीन सिक्सटी फोर बिलीव इन मार्क्सिज्म, टू ट्वेंटी वन पोलिटिकल पार्टी ट्वेंटी एटी वन और सोशलिज्म सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड ओपोजिशन पेरिज्म जो हमारी ये सी पी एम की पार्टी है ये बिलीव करती है सेकुलरिज्म के अंदर नो वन अडोप्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ रिजन आ रीजन और सेम फॉर द ह्यूमन बींग सब के जो रीज़न है वो सेम हो और हर एक को अपना जो रीज़न है या अपना को जो रिलीजन है वो सबको अडोप्ट करके अपना सेलिब्रेट करना चाहिए नो वन अडोप्ट एनी टाइप ऑफ स्पेशल रिलीजन के जो स्टेट है या कंट्री है वो किसी भी ऐसे स्पेशल रिलीजन को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी बिकॉज इन इंडिया सो मैनी टाइप्स ऑफ पीपल इन्जॉय देयर रिलीजन एक्टिविटी लेकिन ऐसी हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन एक्सेक्ट्रा दे हैव अलग दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स कल्चरल्स तो ये पार्टी उसके आइडोलॉजी अड के ऊपर काम करती है कि सबको क्या है सेकुलरिज्म हो फेडरलिज्म हो सोशलिज्म हो और ये किसका अपोजिशन करती है इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म एमपीरियलज्म और कम्युनिज्म विल बी अवॉइड इन द कंट्री कंट्री के अंदर जो एम्पीरिज्म है एम्पीरियजम मीन पावरफुल कम्यूनिटी पावरफुल ट्राइब्स मे के हॉल टू द्राइब्स या पुअर पीपल के जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के ऊपर अपना राज ना करें बिकॉज आर पीपल हैज़ सेम राइट्स एंड एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सबको अपना अपना राइट सबके ही बराबर हैं और सबको अपनी लाइफ अच्छे से जीने का क्या है राइट्स है इसने फिर क्या कि जिस पार्टी बिलोंग्स टू द फॉरेन पॉलिसी आइडियोलॉजी ये फॉरेन पॉलिसी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर भी काम कर रही है इन 2019 लोकसभा इलेक्शन दे वॉर्न थ्री सीट्स तो इन्होंने इस पार्टी ने तीन सीट्स अपनी वॉर्न की थी नेक्स्ट है आई एन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस पपुल नोन एज द कांग्रेस पार्टी इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन द इंडियन हिस्ट्री क्या हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे ओल्डस्ट पार्टी है बिकॉज इट फाउंडेड इन एटीन एटी फाइव ये हमारी सबसे ओल्डस्ट पार्टी है ये एटीन एटी फाइव के अंदर जो है इस्टब्लिशमेंट और फाउंडेड हुई थी क्यों बिकॉज दैट टाइम वाज क्रिटिकली उस टाइम बहुत जो क्रिटिकल जो कंडीशन थी वो ये थी कि इंडिया के ऊपर उस टाइम कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं थी कांग्रेस मेनटेन लॉ इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशस टू गेट इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ब्रिटिश से आज़ादी और अपनी स्वनिर्भरता गेन करने के लिए इस पार्टी ने पहले एटीन एटी फाइव के अंदर से ही अपने जो है स्ट्रगल को मेनटेन करना शुरू कर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू फिर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर इस पार्टी ने बहुत से अपने एफर्ट्स की इसकी जो आइडियोलॉजी ऑफ आइडियोलॉजी जो थी वो ओरिएंटेशन थी ओरिएंटेशन होती है मीन्स कि एक ही राष्ट्र को समर्पित एक ही लोगों के अंदर मतलब, एक ही राज्य के अंदर एक ही स्टेट के अंदर क्या करना लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा करना है वी आर ओम सेम हम एक ही धरती के ऊपर जन्मे हैं वी हैव राइट टू लिव हमें जीने का अधिकार है द एनस पोटर व्यू इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स विट विद द ह्यूमन फेस कि इसने इकनॉमिक्स रिफॉर्मर्स के अंदर भी अपने आप को काम किया लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है तो फिर इसके बाद छोटी छोटी पार्टी ने कोलाबरेट करके एक यूपीए नाम का अलायंस बनाया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसके अंदर इन्होंने टू थाउजेंड फोर से लेकर टू तो ट्वेंटी टू तो हंड्रेड नाइनटीन तक क्या किया कि अपना एक यूपी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बना के जो रूलिंग पार्टी के अंदर काम किया इन टू थाउजेंड नाइनटीन जो आईएनसी हमारी पार्टी है दे बोन फिफ्टी टू सीट्स इसने फिर फिफ्टी टू सीट्स जो हैं वो बोन की नेक्स्ट एन सी पी नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर्मेड इन नाइनटीन नाइनटी फॉलिंग स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस पार्टी टू हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई थी तो उस डिवाइड होने के बाद ये जो है हमारी एक अलग से नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम के ऊपर ये जानेगी जो 1999 के अंदर एक कांग्रेस पार्टी के रूप में आई इसका जो मेन आइडियोलॉजी थी वो क्या थी डेमोक्रेसी गांधी सेकुलरिज्म इक्विटी सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म कि सबको सोशल जस्टिस हो फेडरलिज्म हो गांधी के जो आइडियोलॉजी है उसको अडोप्ट करना है, इसकी मेन पॉलिसी थी ये जो पार्टी है ये जो पार्टी है वो ये कहती है कि जो हमारे ऑफिस हैं ऑफ द गवर्नमेंट है दे आर बॉर्न इन द नेचुरल इन इंडियन स्टेट्स वो इंडिया के ही जो हैं हमारे करता जाता हो वी आर नाट टॉलरेट द फॉरन मिनिस्टर्स कि जो हमारे दूसरे बाहर से आके हमारे यहाँ पे लोगों पर हास करते हैं हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे फिर इसने अपनी छोटी छोटी ब्रांचें दूसरी स्टेटों के अंदर बनानी शुरू कर दी कोलेशन पार्टनर के साथ फिर 2004 के अंदर ये प्रोग्रेसिव यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस के रूप में क्या हुआ एहमरजिड हुआ नेक्स्ट हम वी विल डि इसके हम डिस्कस करेंगे भी वी विल डिस्कस द करेक्टिक्स इसकी विशेषताएं क्या है हर एक पोलिटिकल पार्टीज की नेशनल जो पोलिटिकल पार्टी है उनकी जो है करेक्टिक्स क्या हैं फर्स्टली विल डिस्कस द पोलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शेयर पावर पहले तो उनका हर एक पार्टी का ये परप परपज़ होता है कि वो इलेक्शन को क्या करे कॉन्टेस्ट करे और अपनी पावर्स को शेयर करे विद द अदर पार्टीज दे एग्री ऑन सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी टू प्रमोट कलेक्टिव गुड हर एक पोलिटिकल पार्टी का ये पर्पज़ होता है कि वो अपनी सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स करे इफ़ एनी एनी वन पार्टी अनेबल टू प्रमोट सोसाइटी कंडीशन पीपल चेंज आफ्टर फाइव ईयर दैट टाइप्स ऑफ पार्टी तो उस टाइप की पार्टी को वो चेंज कर सकती हैं पोलिटिकल पार्टीज ट्राइक टू प्रस्यूड पीपल दैट देयर पॉलिस आर बेटर दैन अदर्स एवरी पार्टी मेक एशोरिटी इन द पीपल ऑन पार्टीज बेटर दैन फ्राम द अदर पार्टीज हर एक पार्टी का ये क्या होता है व्यू होता है कि वो दूसरी पार्टी से ज़्यादा क्या है अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करती है और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है पोलिटिकल पार्टी ट्रैक टू प्रस्यूड मीज़ वो अपने आप को दूसरी पार्टी से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती है द दब क्रिटिस शो दैट पोलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी वी विल चूज द रिप्रजेंटेटिव हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हम उनको ही चूज करेंगे एट दैट टाइम वी आर चूजिंग ओवर ऑन रिप्रजेंटेटिव हम अपने आपने जो रिप्रजेंटेटिव हम उनको ही चुनते हैं फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी ओवर सोसाइटी एंड ओवर नेशंस ताकि हम अपने जो व्यू हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए लोगों तक पहुंचा सकें एंड और उसके बाद हम अपनी जो कंट्रीज की है उसकी डेवलपमेंट कर सकें ये होते है हमारे इसके सारे करेक्टर्स नेक्स्ट में भी डिस्कस द स्टेट पोलिटिकल पार्टीज और आइडियोलॉजी तो हम उनकी नेक्स्ट में स्टेट पोलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे टुडे आई होप यू हैव अंडरस्टूड नेशनल पोलिटिकल पार्टीज नेक्स्ट वील डिस्कस अगेन सम स्टेट पार्टीज थैंक्स अ लॉट